वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे हो? आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग द लेक्चर्स। हम लोग मटेरियल कॉस्ट के अंदर ईओक्यू और ईओक्यू के अंदर नाउ वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 8। मैंने बार बार आपको समझाया है, क्वेश्चन आप टेबल फॉर्म में कर सकते हो, फॉर्मुले फॉर्म में कर सकते हो। टेबल फॉर्म में करना है व्हेन दे मेंशन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप फॉर्मुले फॉर्म में इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये देखो फॉर्मूला है EOQ रूट साइन 2 into A into O upon C। A मैंने एक्सप्लेन किया एनुअल कंजम्पशन, O ऑर्डरिंग कॉस्ट, C कैरिंग कॉस्ट, और यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट्स मैंने लिख के रखा है। ये दोनों चीजें आपको पर यूनिट्स में चाहिए। ये सारी चीजें मैंने थ्योरी में आपको एक्सप्लेन किया। अब अगर इसके अंदर देखोगे तो क्वेश्चन 8, Given the annual consumption of material is 1800, annual consumption, student, this one, कितना बोला इसने? Yes, we are studying student one of the easiest chapter, smiling चेहरे के साथ और attention के साथ पढ़ोगे चीजें आपको ध्यान में रहेंगे। और पूरा का पूरा costing student आप आगे किसी भी year में study करोगे CA CS ICWA, complete costing आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। तो 1800 ऑर्डरिंग कॉस्ट आर 2 पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट 2 रुपीज उसने दिया है। प्राइस ऑफ मटेरियल पर यूनिट 32 पैसा, स्टूडेंट ध्यान रख 32 पैसा लिखा है, पैसा है उसको अंडरलाइन करके रख, रुपीज नहीं है स्टूडेंट। अगर रुपीज नहीं है, 32 के पहले रुपीज नहीं लिखा है, 32 पैसा 0.32। एंड स्टोरेज कॉस्ट 25% ऑफ स्टॉक वैल्यू, 25% ऑफ स्टॉक वैल्यू। यही सारी चीजें मुझे चाहिए थी इस क्वेश्चन को करने के लिए स्टूडेंट। ये सारी चीजें हम लोगों ने क्वेश्चंस में से कॉपी किया। नाउ एज यूजुअल आपका फॉर्मूला ईओक्यू 2A ऑर्डरिंग कॉस्ट 1800, ए सॉरी एनुअल कंजम्पशन, ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 2 स्टूडेंट, सी कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट के लिए उसने क्या बोला है 25% ऑफ स्टॉक वैल्यू। तो ये आपका वैल्यू है 32 पैसा। का 25% 25% स्टूडेंट मीन्स 25/100। तो इसने बताया मटेरियल कॉस्ट उस 32 पैसा और उसके बाद उसने बताया 25% पर है। अब इसी इक्वेशन को स्टूडेंट आपको सॉल्व कर लेना है। दिस मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई दिस आप करोगे 7200 और स्टूडेंट 32 पैसे पर, 32 पैसे पे यू फाइंड द 25%, 32 पैसे पर 25% विच इज 0.08 स्टूडेंट, 0.08। 7200 को आप 0.08 से डिवाइड करोगे आपको रूट में मिलेगा स्टूडेंट 90,000। और आप कैलकुलेटर पे स्टूडेंट 90,000 लिखकर, 90,000 लिखकर अगर आप रूट साइन इस पे प्रेस करोगे यू विल गेट द 300 यूनिट स्टूडेंट, आपको मिलेगा 300 यूनिट्स। तो जो हम लोगों को वन ईयर में 1800 यूनिट्स की जरूरत पड़ रही है ना स्टूडेंट, तो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया कि व्हेनेवर वी गिव द ऑर्डर फॉर द मटेरियल है तो हमको कितना कितना यूनिट्स का ऑर्डर करना चाहिए स्टूडेंट। तो 300 यूनिट्स का हमको ऑर्डर करना चाहिए। इससे हम लोग कम करेंगे वो भी हमारे लिए एडवर्स होगा, और उससे हम लोग ज्यादा करेंगे वो भी हमारे लिए एडवर्स होगा। मतलब देखो ना कितना अच्छा कैलकुलेशन है कि डायरेक्टली उस पॉइंट को, एग्जैक्ट पॉइंट को टच कर रहा है, इसी
300 का आप ऑर्डर कर, 300 आपके लिए बेस्ट होगा, ये सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल होगा 300 यूनिट्स का क्या करना, ऑर्डर करना। इसी को जब स्टूडेंट हम लोग टेबल फॉर्म में करते हैं तो ये चीज जरा और अच्छे से हम लोगों को क्या होता है समझ में आता है। तो सेम क्वेश्चन हम लोग टेबल फॉर्म में भी करते हैं, टैबुलर मेथड। सेवन कॉलम हम लोग स्टूडेंट ड्रॉ करते हैं इसके अंदर, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 and 7। फर्स्ट वन इज द नंबर ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर साइज, इससे पहले भी हम लोगों ने किया हुआ है, ये आपका एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक वैल्यू, एवरेज कैरिंग कॉस्ट, बाइंग ऑर्डर, बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर, बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और ये आपका टोटल। इसमें थोड़ा मैं नंबरिंग कर देता हूं, 1, 2, 3 A4, A5, A6 और A7। थोड़ा सा इजी में समझा देता हूं कि देखो हमको करना क्या है। ये एवरेज स्टॉक, एवरेज कैसे मिलता है स्टूडेंट, ये ऑर्डर जो साइज है जो हम लोग ऑर्डर करने वाले हैं उसी का हमको एवरेज चाहिए। तो हम लोग यहां पे करते क्या है, इस 2 को 2 में जो वैल्यू मिलेगा वी डिवाइड बाय द 2, तो हमको क्या मालूम पड़ता है उसका एवरेज। नेक्स्ट वन है एवरेज स्टॉक वैल्यू, ये जो एवरेज मिलेगा ना इसका हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां एवरेज मिलेगा, वैल्यू फाइंड करना है, कॉस्ट पर यूनिट कितना है 0.32, तो मैं 3 को 0.32 से क्या कर दूंगा, इनटू कर दूंगा। देन उसके बाद से हमारे पास है एवरेज कैरिंग कॉस्ट। अब तुमने क्या देखा, एवरेज कैरिंग कॉस्ट क्या है, 25% ऑफ एवरेज स्टॉक, इसका 25%। देन बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और यहां पर टोटल 5 + 6। अब अगर इस लेक्चर को कोई फर्स्ट टाइम भी देख रहा होगा तो देखो किस तरीके से आप इसको समझना है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इकोनॉमिकल का मतलब भी क्या होता है, रीजनेबल। अगर मेरे पास ये कैलकुलेशंस नहीं होगा ना तो मैं कुछ भी एक्स वाई जेड गुड्स का क्वांटिटी का ऑर्डर करता रहूंगा और मुझे खुद के लिए भी मालूम नहीं रहेगा कि शायद मैं अपने लिए क्या कर रहा हूं, लॉस कर रहा हूं। सपोज मेरे पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फाइनेंस है, मैं पूरा का पूरा यूनिट एक ही बार मंगा लिया, मैंने उस समय क्या सोचा कि एक बार मंगाने से कैरिंग कॉस्ट कम हो रहा है, लेकिन कैरिंग कॉस्ट कम होगा स्टोरेज कॉस्ट तो क्या हो जाएगा आपका बढ़ जाएगा, आपका बहुत सारा अमाउंट एक साथ क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से मैं काफी थोड़ा थोड़ा मंगा रहा हूं, मेरा कैरिंग कॉस्ट हमेशा क्या होते रहेगा, बढ़ता रहेगा, एवरी टाइम मुझे कैरिंग कॉस्ट देना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन आपको उस पॉइंट को टच करता है कि सी आप इतने का ऑर्डर करो, दिस इज द बेस्ट फॉर यू, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल है। तो वही हम लोगों को इसके अंदर पढ़ना है। चलो अभी जो नंबर्स ऑफ ऑर्डर है मैं अपने मन से नंबर्स की देता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलो ऐसा मैं 10, 12 times ऐसा क्या करता हूं अपने लिए लिख लेता हूं। चलो मैंने 10 times अपने लिए लिख लिया। चलो अब इसके बाद से 1 year में मुझे यूनिट कितना चाहिए, 1800, मतलब मैं एक ही बार ऑर्डर दूंगा तो 1800 यूनिट्स का ऑर्डर दूंगा। मैं सोचा कि नहीं ऐसा करता हूं ना 2 times में ऑर्डर करता हूं, तो 1800 डिवाइड बाय 2 मुझे कितने कितने का ऑर्डर करना पड़ेगा, 900, 900, 900। मैंने सोचा कि नहीं मैं 3 times में ऑर्डर करता हूं, 3 times में, 1 year में 1800 चाहिए, लेकिन मैं इसको ना 3 times में मंगाता हूं, 3 times में मंगाता हूं, तो 1800 डिवाइड बाय 3
मुझे 600 का ऑर्डर करना पड़ेगा। मैंने सोचा कि नहीं यार, 4 टाइम ऑर्डर करता हूं, 4 बार में मंगाता हूं, 1800 divided by 4। मैंने सोचा 5 टाइम में मंगाता हूं, 1800 divided by 5। मैंने सोचा कि चलो मैं 6 टाइम में इसको मंगाता हूं, 6 टाइम में ऑर्डर करूंगा, 6 टाइम, 1800 divided by 6। तो 300 का ऑर्डर करूंगा। मैंने सोचा कि नहीं मैं और भी कम ऑर्डर करता हूं यार, 7 टाइम में मंगाता हूं, 1800 divided by 7, 257। मैंने सोचा कि चलो 1800 मैं 8 टाइम में मंगाता हूं, थोड़ा 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 करके ऑर्डर करूंगा और 8 टाइम में मंगाऊंगा, 1800 units। मैं ऐसा करता हूं 9 टाइम में ऑर्डर करता हूं, थोड़ा 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 करके ना 9 टाइम में मंगाऊंगा, तो 1800 divided by 9 मतलब 200 का ऑर्डर करूंगा। और मैंने सोचा चलो 10 टाइम में मंगाता हूं, एंड सो ऑन, आप आगे भी क्या हो सकते हो। तो 180 यूनिट्स का मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा। नेक्स्ट कॉलम है एवरेज स्टॉक। अब इसके पीछे का मैंने रीजंस बताया था कि मैं 1800 मंगा लूं, लेकिन थ्रू आउट द ईयर मेरे पास 1800 नहीं रहने वाला है, 900 का मंगा लूं, बट जैसे ही मैं 900 मंगाऊंगा ना स्टूडेंट, उस दिन से उस 900 में से थोड़ा 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 कंजम्पशन भी होने लगेगा, कम होने लगेगा, मतलब इतना स्टॉक मेरे पास मेंटेन नहीं रहेगा। 600 मंगा लूं तो मंगा के मैं अपने पास रख नहीं सकता हूं, वो 600 में से थोड़ा 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 उसी दिन से यूज होने लगेगा। तो यहां पर हम लोग उसके लिए उसका एवरेज फाइंड करते हैं। अभी किसी चीज का मुझे एवरेज फाइंड करना है तो मेरे पास एक ही सोल्यूशन बचता है, उसका 2 से इस अमाउंट को अगर इसका एवरेज फाइंड करना है तो मैं किससे डिवाइड कर दूं, 2 से। तो 1800 divided by 2 900 divided by 2 450, 600 divided by 2 एवरेज फाइंड करने के 300, 450 divided by 2 225, 360 divided by 2 180, 300 divided by 2 150, 257 divided by 2 128, 225 divided by 2 113, 200 divided by 2 100, और ये कितना हो गया 90। एवरेज मैंने फाइंड किया, मतलब ऑन एन एवरेज मेरे पास 900 रहेगा, ऑन एन एवरेज 450, ऑन एन एवरेज 300, ऑन एन एवरेज 225, ऑन एन एवरेज 180, एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट कॉलम हमने ड्रॉ किया है, फोर्थ वन, एवरेज स्टॉक वैल्यू। ये एवरेज फाइंड किया ना आपने, ये एवरेज, इसी का आपको वैल्यू चाहिए। ये तो क्या है, क्वांटिटी है ना, ये यूनिट्स है ना, यूनिट्स है ना, 900 यूनिट्स, 450 यूनिट्स, 300 यूनिट्स, 225 यूनिट्स, आपको इसकी वैल्यू चाहिए। तो आपने देखा कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 32 पैसे। ऑन एन एवरेज मुझे कितना मंगाना है, 900, या कितना मेरे पास रहेगा, 900 पर केजी, कितने से बच्चा, 32 पैसे। तो हम लोग करेंगे 900 × 32 पैसा, 450 × 32 पैसा, 300 × 32 पैसा, 225 × 32 पैसा, 180 × 32 पैसा, 150 × 32 पैसा, 128 × 32 पैसा, 113 × 32 पैसा, 100 × 0.32 और 90 × 29। एवरेज कैरिंग कॉस्ट 25% ऑफ एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक, ये आपने एवरेज स्टॉक फाइंड किया, ये एवरेज स्टॉक फाइंड किया, इसका कितना परसेंट स्टूडेंट, 32%, 25%, इसका कितना स्टूडेंट, 25,
मतलब जितने का आप गुड्स कैरी करके लाओगे ना, जितने का आप मटेरियल परचेज करोगे ना, गुड्स परचेज करोगे ना, उसका 25% स्टूडेंट आपको कैरिंग कॉस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका 25% कैरिंग कॉस्ट के लिए। तो 288 उसका 25%, तो 288 का 25% फाइंड कर स्टूडेंट, एलसी से करो, करो इमीडिएटली करो। 72, 144 का 25% 36, देन 96 का 25% 24, 72 का 25% 18, 58 का 14.50, 48 का 12, 41 का 10.50, 36 का 25% 9, 32 का 8% एंड 29 का 25% 7। ये है कैरिंग कॉस्ट। मतलब ये कि अगर ऑन एन एवरेज मैं 1800 अगर यूनिट एक साथ मंगा लो, 72 रुपीज का कैरिंग कॉस्ट देना पड़ेगा। 900 यूनिट मंगा लो, 36 देना पड़ेगा। या फिर ये आप ले लो एवरेज, 900 मंगा लो, 72 देना पड़ेगा, 450 एवरेज 36 एंड सो। बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर, मतलब एक बार आप ऑर्डर करते हो तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, जिसको ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलते हैं, 2 रुपीज। मतलब मैं एक बार ऑर्डर करूंगा, गुड्स एक बार भी तो आ जाएगा, 2 रुपीज मुझे देना पड़ेगा। मैंने सोचा नहीं 2 टाइम ऑर्डर करता हूं, 2 टाइम ऑर्डर करूंगा तो 2 रुपीज 2 टाइम देना पड़ेगा, 4। अगर मैं 3 टाइम ऑर्डर करता हूं, 6। अगर मैं अपना गुड्स 4 टाइम मंगाता हूं तो 2 रुपीज 4 टाइम देना पड़ेगा ना, 8। देन 10। अगर मैं 6 टाइम ऑर्डर करता हूं, 12। अगर मैं 7 टाइम ऑर्डर करता हूं, 14। अगर मैं 8 टाइम ऑर्डर करता हूं, 16। अगर मैं 9 टाइम ऑर्डर करता हूं, 18। और अगर मैं 10 टाइम ऑर्डर करता हूं तो मुझे कितना देना पड़ेगा, 20 रुपीज क्या करना पड़ेगा देना। अब ए स्टूडेंट मैंने आपको नंबर्स ऑफ टाइम समझाया, मुझे 1 ईयर में 1800 गुड्स परचेज करना है। 1 ईयर में कितना गुड परचेज करना है, 1800। अब मैं 1800 एक बार में परचेज कर लू, 900 करके 2 टाइम में परचेज करूं, मैं 600 करके 3 टाइम में परचेज करूं, मैं या 180 केजी करके 10 टाइम में परचेज करूं। ईयर में तो मुझे 1800 परचेज करना है और मेरा कॉस्ट है 32 पैसे। मतलब उस गुड्स को परचेज करने के लिए उस मटेरियल का जो कॉस्ट है ना स्टूडेंट, वो तो पूरे ईयर कॉन्स्टेंट ही रहने वाला है, मेरे पॉकेट से जाएगा 576। 1800 परचेज करना है, 32 से 576 रुपीज खर्चा होगा, सिर्फ मैं मटेरियल का कॉस्ट बोल रहा हूं स्टूडेंट। अब मैं कितने टाइम में भी परचेज करूं, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम कितने टाइम में परचेज करूं। तो मैंने बताया कि मटेरियल का कॉस्ट तो स्टूडेंट कॉन्स्टेंट रहेगा, उसके ऊपर जो इंपैक्ट डालता है वो कौन डालता है, उसका कैरिंग कॉस्ट और उसका ऑर्डरिंग कॉस्ट। मटेरियल कब इंपैक्ट डालेगा स्टूडेंट, एक क्वेश्चन ऑलरेडी हमने किया है, व्हेन मटेरियल कॉस्ट इज डिफरेंट यूनिट वाइज। मैं ज्यादा का ऑर्डर करता हूं वो मेरे को डिस्काउंट देता है, कम ऑर्डर करता हूं डिस्काउंट नहीं देता है, एट दैट टाइम, वो भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया, एट दैट टाइम मटेरियल कॉस्ट भी आपको इंपैक्ट करेगा और उस समय मुझे मटेरियल कॉस्ट का भी टोटल देना है। लेकिन मेरा अगर प्राइस कॉन्स्टेंट है, एक ही मेरा प्राइस है, तो मटेरियल कॉस्ट तो मेरा फिक्स है, तो मेरे टोटल कॉस्ट के ऊपर इंपैक्ट कौन डालता है, एक कैरिंग कॉस्ट और बाइंग कॉस्ट। ये देखो ना,
कैरी कॉस्ट 72 रुपीज लेकिन ऑर्डर कॉस्ट सिर्फ 2 रुपीज। देन 36 रुपीज ये कितना हो गया 4, 824 ये कितना हो गया 6, 18, 8, 14.50, 10, 12 and 12। तो मैंने आपको थ्योरी में वही तो लिख कर दिया है कि आपको ऐसा लेवल फाइंड करना है जहां पर योर कैरिंग कॉस्ट एंड योर ऑर्डरिंग कॉस्ट इज सेम, वो आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा। आपने उतने ही यूनिट्स का ऑर्डर क्या करना चाहिए 72 + 2 = 74, ये 40, ये 30, 26, 24.50, 24.50, 25, then 18 and 8, 28, and 27, and so on। अब यहां पर देखोगे स्टूडेंट 1800 मेरा ये कॉस्ट तो सेम रहेगा बट मेरे ये दोनों कॉस्ट 74 रुपीज, तो मुझे लग रहा है कि चलो 1800 का नहीं 900 का ऑर्डर करता हूं कॉस्ट कम हो गया, नहीं फिर 600 का ऑर्डर करता हूं और कॉस्ट कम हो गया, 450 का ऑर्डर करता हूं और कॉस्ट कम हो गया, 300 का ऑर्डर किया 24 रुपीज, देन 257 का ऑर्डर करता हूं 24.50, मतलब 1 second। अब यहां से कॉस्ट फिर से बढ़ना क्या हो गया स्टार्ट हो गया। तो आपको करना क्या है स्टूडेंट, आपको इसके अंदर उस पॉइंट को टच करना है, उस पॉइंट को फाइंड करना है वेयर योर कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल। तो कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट कहां पे इक्वल हो रहा है 300 यूनिट्स पर, तो जो मैं अलग अलग यूनिट्स का ऑर्डर कर सकता हूं उसमें 300 यूनिट्स का ऑर्डर करना ये मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा, सबसे इकोनॉमिकल होगा। हम लोग ने यहां पर देखा है तो वन ऑफ द इजिएस्ट एक चैप्टर पढ़ रहे हो स्टूडेंट, और मैंने आपको बताया एवरी ईयर यूनिवर्सिटी इसके ऊपर क्वेश्चंस ड्राफ्ट करता है, तो इसको इजी तो है बट यू गिव द इंपॉर्टेंस, आपने इसको क्या करना है इंपॉर्टेंस। थैंक यू स्टूडेंट।